हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.3 और इसमें हम देखेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण, ठीक है बच्चों। और ये आलेखीय निरूपण हम देखेंगे तीन प्रकार का, दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज, ठीक है बच्चों। दंड आलेख में आपको क्या दिखाई देगा, इस तरीके से गैप करते हुए आपको आलेख बनाई दे बनेंगे, ठीक है बच्चों। इनमें गैप होगा, जैसे इसमें इसमें डिस्टेंस है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये किस प्रकार की सारणी के लिए बनता है और ये किस प्रकार की सारणी के लिए बनता है, इसका डिवाइडेशन कर देंगे। आयत चित्र में क्या होगा, आपको जो आलेख प्राप्त होगा उसमें ये एक दूसरे से सटे हुए होंगे, इस तरीके से ये जो है इस प्रकार से बनेगा। और बारंबारता बहुभुज अगर आप देखेंगे तो इसके दो तरीके होते हैं बारंबारता बहुभुज के। पहला तरीका ये है कि आप पॉइंट लगाएंगे और फिर पॉइंट को ऐसे इस तरीके से मिलाएंगे। दूसरा तरीका ये भी है, ये बारंबारता बहुभुज के तरीके हैं दोनों, ये दूसरा तरीका ये भी है कि आप यही वर्ग अंतराल वाला बनाएंगे आयत चित्र, इनके मध्य बिंदु निकालेंगे और इन मध्य बिंदुओं को आप आपस में मिलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है बारंबारता बहुभुज, दंड आलेख और आयत चित्र, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि ये बनते किस प्रकार की टेबल्स के लिए हैं, ये भी तो देखना जरूरी है कि ये किस प्रकार की टेबल्स के लिए बनेंगे। तो ये बनते हैं, देखिए ये वाले जो बनते हैं ना, ये वर्ग अंतराल वाली होनी चाहिए, वर्ग अंतराल, ठीक है बच्चों। ये सामान्य सामान्य जो होते हैं ना, बिना वर्ग अंतराल वाली सारणियां हमने बनाई हैं उनमें, ये और ये जो है ये दोनों वर्ग अंतराल वाली, ये भी वर्ग अंतराल की सारणी के लिए बनेगा। हमने बनाई थी ना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से। तो ये बनेंगे इन इस प्रकार की सारणी के लिए, और ये जो बनेगा ये सामान्य सारणी के लिए बनेगा, जैसे आपने बनाई होंगी आप कह सकते हैं कुछ भी, जैसे जनवरी, जनवरी में बच्चे आते हैं मान लीजिए 30, फिर फरवरी में आते हैं 40, इस तरीके से। तो इनमें कोई आपको वर्ग अंतराल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार की जो सारणियाँ हैं उनके लिए दंडालेख बनेगा। और ये जो वर्ग अंतराल वाली सारणियाँ होंगी 10 से 20 के लिए आपकी बारंबारता होगी, फिर 20 से 30 के लिए होगी, तो ऐसी टेबल्स के लिए आपको बनाने हैं आयत चित्र, और ऐसी टेबल्स के लिए ही आपको बनाने हैं बारंबारता बहुभुज। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन प्रश्नावली का। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर एक है, एक टेबल आपको दे रखी है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। तो आंकड़े आपको दिए हुए हैं, अब इनका हमको करना है आलेखीय निरूपण। तो सबसे पहले ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं इनका हम करेंगे आलेखीय निरूपण। तो हम बनाएंगे अक्ष, एक अक्ष एक्स और एक अक्ष वाई, एक्स अक्ष वाई अक्ष और मूल बिंदु 0 0। अब यहाँ आप देखिए, एक्स अक्ष पर आप लिखेंगे कारण और वाई अक्ष पर आप लिखेंगे महिला मृत्यु दर, ठीक है बच्चों। कारण क्या क्या थे, कारण थे आपका नंबर एक पे था जनन स्वास्थ्य, नंबर दो पर था तंत्रिका मनोविकार, तंत्रिका,
नंबर तीन पर था छती, नंबर चार हृदय वाहिका संबंधी अवस्था, नंबर पांच श्वसन, और एक सेकंड नंबर छह पर है आपका अन्य कारण। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिए हैं एक्स अक्ष पर। वाई अक्ष पर आपको जो दिया हुआ है महिला मृत्यु दर के आंकड़े दिए हुए हैं, इनको आप बारंबारता भी कह सकते हैं। तो वाई अक्ष पर आप क्या कर सकते हैं, दो के अंतर पर संख्याएं ले सकते हैं आप चाहें तो, और आप चाहें पांच के अंतर पर भी ले सकते हैं। पर ये लेनी किस हिसाब से होती है, आपके पास कितनी जगह है नंबर एक, और आपके पास आंकड़े किस प्रकार के हैं। तो मान लीजिए मैं पांच के अंतर से लेती हूँ, तो पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस, हाईएस्ट जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं वो है 31.8 के, तो मैंने 35 तक ले लिया है। ये आपका है क्या, वाई। ठीक है बच्चों, इधर आपको बनाना होगा पैमाना, पैमाना एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर लिख देना एक बड़ा खाना। क्या लिख सकते हैं आप, कुछ भी, एक बड़ा खाना बराबर हमने क्या माना है, एक कारण माना है, जैसे एक बड़ा खाना में एक कारण माना है। वहीं वाई अक्ष पर आपने पैमाना क्या माना है, बराबर एक कारण। ठीक है बच्चों, वाई अक्ष पर हमने क्या पैमाना माना है, एक बड़ा खाना, मतलब एक खाने के अंतर पर पांच पांच का अंतर लिया है, तो एक बड़ा खाना बराबर 5% मृत्यु दर, यही तो लिया है। ये जो है मृत्यु दर है ये कितने के अंतर पर लिए, पांच के पे। अब आप देखिएगा आपके आंकड़े में दिया हुआ है जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8, तो जनन स्वास्थ्य अवस्था ये है 31.8 आपको लेना है, तो 30 और 35 के बीच में लगभग यहाँ। तो आप इस तरीके से ये जो जनन स्वास्थ्य अवस्था है ये इसके मध्य में आएगा, और आप इस तरीके से एक दंड बना देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपने बना दिया, इसी के बाद तंत्रिका, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था के लिए कितना है 25.4, तो 25.4 आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे बच्चों, और ये आप बनाएंगे 25.4 से एक और दंड। फिर है नंबर तीन पर है छती, छती है आपकी 12.4 की, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर 12, और 12 से थोड़ा सा 12.5, ये आपका हो गया ये फिर है आपका हृदय वाहिका अवस्था 4.3, हृदय वाहिका अवस्था कितनी है 4.3, 5 से थोड़ी सी कम इधर 4.3, और फिर है आपकी श्वसन, हृदय वाहिका अवस्था के बाद है श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था आपकी कितनी है 4.1 है, तो ये 4.3 से थोड़ी सी नीचे जाते हुए ये बनेगी 4.1। इसके बाद है अन्य कारण है आपके, वो है आपके 22, तो 22 आप 20 से थोड़ा सा ऊपर 20, ये आपका हो गया 22। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको एक दंड आलेख बनाएंगे। ठीक है बच्चों, हमने पैमाना ले लिया है एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर हमने क्या माना है, एक्स अक्ष पर हमने मृत्यु दर को प्रदर्शित किया है, वहीं वाई अक्ष पर हमने क्या किया है, वाई अक्ष पर हमने महिला मृत्यु दर, ये मृत्यु के कारण है, ये हमारी मृत्यु की दर है, और हमने एक बड़ा खाना बराबर 5% को प्रदर्शित किया है। बड़े खाने का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ प्रश्न हैं उनको हल कर लेते हैं। कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का
बड़ा कारण है। तो आप देखिए सबसे बड़ा दंडालेख यही बन रहा है। तो कौन सी अवस्था है सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण? जनन स्वास्थ्य अवस्था। ठीक है, जनन स्वास्थ्य अवस्था सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर हो गया जनन स्वास्थ्य अवस्था, सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण यही है। अगला प्रश्न है, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर दो में भूमिका रही हो। इसके देखिए ये तो है ही महिला मृत्यु दर बढ़ने के कारण, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अल्प आयु में जनन, या अल्पायु कह लीजिए, अल्पायु में प्रजनन, जल्दी ही बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं तो वो छोटी सी उम्र में ही माँ बन जाती हैं, तो इसकी वजह से भी, प्रजनन की वजह से भी उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसके अलावा ये तो एक मुख्य कारण है ही, और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि आपको खून की कमी, जो एनीमिया है मुख्य रूप से, तो एनीमिया भी एक कारण है महिलाओं की मृत्यु का। तो कई सारी ऐसी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार के दंडालेख हैं प्रश्न नंबर 2 में और प्रश्न नंबर 3 में। तो प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 आपको दिया हुआ है HW, आप उसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।